हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्टार्ट करते हैं अपने डेली वोकैब सीरीज। ओके, डेली क्लासेस का टाइम आप देख ही चुके हैं, काफी दिन से आपको बता रही हूँ। 5 बजे करंट अफेयर्स कराते हैं वरुण सर आपको, 6 बजे अब इंग्लिश बच 6 बजे अब बच चुके हैं, इंग्लिश की वोकैब हम कर रहे हैं, और 1 घंटे बाद स्टैटिक जीके भी जरूर देखिएगा गाइस। ये जो तीनों क्लासेस है ना, ये सारे के सारे आपके बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। इनमें से क्वेश्चन आपके बहुत जरूर से जरूर टकराएंगे, ठीक है? तो इनको बहुत ध्यान से करिएगा। पहला वर्ड है आपके सामने एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है धन समृद्धि या फिर अमीरी। इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्या होगा, एबंडेंस या फिर वेल्थ। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी या फिर प्लेंटी। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, पॉवर्टी यानी गरीबी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, एफ्लुएंस इन हिज लाइफ मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। यानी कि यहाँ पे किसी इंसान के बारे में बात करी गई है जिसको जिसके पास काफी अमीरी है, यानी काफी धन है, अमीर है, उसकी वजह से वो लाइफ के संस्कार, जीवन के संस्कार और वैल्यू ऑफ लाइफ सब कुछ भूल चुका है, ये सेंटेंस का मतलब हुआ। एफ्लुएंस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है मिस्टर मुकेश अंबानी, जिनके पास बहुत धन समृद्धि है। नेक्स्ट वर्ड इज एसवेज। एसवेज का मतलब क्या होता है, शांत करना या फिर कम करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका, ईज या फिर लेसन, कम करना। सिनोनिम्स की बात करें तो रिलीफ या फिर सूथ या फिर एलिविएट। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, एग्रवेट। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, रोहित फ्रेंड एसवेड हिज एप्रिहेंशन ऑफ इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि रोहित है जो कोई लड़का है जिसके साथ अन्याय हुआ है, और किसने किया है, प्रिंसिपल ने किया है, स्कूल के प्रिंसिपल ने, शायद कोई बात हुई होगी तो उसकी वजह से रोहित को साथ जो अन्याय हुआ, तो उसके दोस्तों ने उसके दुख को या उसके फीलिंग्स को कम करने के लिए या शांत करने के लिए मदद की। ओके, पिक्चर में आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कैसे किसी कोई इंसान है जो कि परेशान है, उसका मन अशांत है, इसलिए उसको ये शांत करने की कोशिश कर रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड जो है वो इसी से रिलेटेड है, उसी का मिलता जुलता है, एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है, कम करना या फिर हल्का करना। मीनिंग क्या होगा, रिलीफ या फिर सिनोनिम इसके देख लेते हैं क्या होगा, रिड्यूस, ईज या फिर एसवेज। ओके गाइस, ये जो वर्ड है एलिविएट है ना, और यहाँ पर ये एलिविएट इसका सिनोनिम हो गया। ओके, अगर हम एलिविएट की बात करें यहाँ पर, तो एसवेज जो पीछे वर्ड लिखा हुआ था वो यहाँ पर इसका सिनोनिम हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो इसीलिए इनका मीनिंग भी आप देख ही रहोगे कि वही है, सेम, मिलता जुलता, कम करना, हल्का करना। दोनों वर्ड आपको समझाना जरूरी था, इसलिए दोनों वर्ड मैंने एक साथ ही लिख लिया है यहाँ पे। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, सम पीपल बिलीव दैट सेंट्स आर बॉर्न टू एलिवेट द पेन एंड माइजरी ऑफ मैनकाइंड। यानी कि लोगों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है जो संत महात्मा होते हैं उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो मानवता यानी या मानव के, ह्यूमन के दर्द को और उनके मन के जो जो भी मन में भूचाल होते हैं, मन में जो अशांति होती है, उनको कम करना या हल्का करने के लिए ही ये संत महात्मा पैदा हुआ है। ओके, तो सेंटेंस का मतलब ये हुआ। जैसे देखा जाए कि यहाँ पे पिक्चर में किसी को यहाँ पे एल्बो में पेन हो रहा है, यानी कि कोहनी में, तो उसको कम करने के लिए कोई रिलीवर की बात की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड इज एफरे। एफरे का मतलब होता है कलह या दंगा या हंगामा हो जाना या कहीं पे बवाल हो जाना। पिक्चर्स में आप देख ही सकते हैं चारों तरफ लोग लड़ी रहे, दंगे फसाद चल रहे हैं। मीनिंग का क्या होगा इसका, पब्लिक या फिर ब्रॉल। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, फाइट, बैटल, कन्फ्रंटेशन, और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो होगा काम, पीस या फिर सरेंडर। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस एवर्टेड सीरियस मैशअप ऑफ द एफरे बिटवीन द टू कम्युनिटीज। यानी कि पुलिस ने बहुत समय पर, सही समय पर काम किया, एक्शन लिया, कब, जब दो दलों के बीच में, टू कम्युनिटीज के बीच में दंगे, सीरियस मिशैप यानी दंगे या भड़काऊ चीजें होने वाली थी, कलह दंगे। ओके, तो पुलिस ने अपने सही समय पर काम किया, एक्शन लिया, तो वो उनको रोक पाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बेंटर। बेंटर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, किसी को छेड़ना, उपहास करना। टॉम एंड जेरी इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे को छेड़ते ही रहते हैं, उपहास करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि यहाँ पे ये कार्टून कर रहा है। मीनिंग अगर देखें तो क्या होगा, टू रिडिक्यूल, टू टीज, किसी को छेड़ना। सिनोनिम्स की बात करें तो टॉन्ट, जियर या फिर जोक। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, बी सीरियस, फ्लैटर या फिर प्रेज। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इवन हिज बैंटरिंग वॉज कंसिडर्ड ऑफेंसिव।
बैंटरिंग का मतलब किसी को छेड़ना, उपहास करना। तो कहा गया है कि कोई इंसान किसी को छेड़ रहा होगा तो शिकायत करने पे ये बात कही गई है कि उसका छेड़ना ही एक तरीके से बवाल या फिर लड़ाई शुरू करने, ऑफेंसिव मतलब किसी का भड़काऊ बिहेवियर होना या भाषण होना या किसी की बात होना, तो उसका छेड़ना एक तरीके से किसी को भड़काने के बराबर था। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेम्यूर। डेम्यूर का मतलब होता है एतराज करना या आपत्ति करना। जैसे आप यहाँ पे देख लो, मीनिंग में क्या होगा इसका इंग्लिश मीनिंग, डिले या फिर हेजिटेट होना। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, डिसएग्री या फिर क्रपल। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, एग्री कर जाना, एक्सेप्ट कर लेना या फिर एक्यूजिंग। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इसको, ए प्रैक्टिकल मैन वुड नेवर डेम्यू टू अवेल हिमसेल्फ टू एवरी चांस। ठीक है, कि जो एक प्रैक्टिकल इंसान होता है, यानी कि जो हर तरीके से पढ़ा लिखा समझदार इंसान होता है, वो क्या करता है, वो हमेशा एतराज नहीं करता, वुड नेवर डेम्यूर, हमेशा एतराज नहीं करता टू अवेल हिमसेल्फ टू एवरी चांस। यानी कि अगर उसे जिंदगी में कोई मौका मिलता है तो वो बार बार एतराज नहीं करता, उसको प्रैक्टिकल के होने के साथ साथ वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है और फिर आगे बढ़ता है। ओके, क्योंकि वो काफी प्रैक्टिकल है, वो समझता है सारी चीजों को। नेक्स्ट वर्ड इज फीट, FETE। इसका मतलब होता है उत्सव, त्योहार, मेला या किसी का स्वागत करना। मीनिंग की बात करें तो क्या होगा, आउटडोर एंटरटेनमेंट या फिर कार्निवल। ओके, सिनोनिम्स की बात करें तो पार्टी, फीस्ट, सेलिब्रेट या फिर फिएस्टा। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, ह्यूमिलिएट या डिबेस या डिग्रेड या फिर चेस्टन। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, ए चैरिटी फीट वॉज हेल्ड इन अवर कॉलेज यस्टरडे। यानी कि किसी कॉलेज में एक चैरिटी फीट, यानी कि चैरिटी के लिए कोई मेला या उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया, वहां पे आयोजित किया गया, कहाँ पे, कॉलेज में, कल के दिन, यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड इज फिएट। गाइस, फिएट और फीट दोनों एक जैसे मिलते जुलते वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे FIAT और FEET, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो आपको, इसलिए मैंने दोनों के दोनों वर्ड साथ में लिखे हुए हैं। फिएट का मतलब होता है आधिकारिक आज्ञा करना, ओके, आदेश देना या हुक्म देना, जैसे कि जज करते हैं। ओके, मीनिंग का इसका इंग्लिश देख लेते हैं, क्या होगा, कमांड। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, डिक्री और एडिक्ट, ऑर्डर या फिर ऑथराइजेशन। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, वीटो, क्वेरल या फिर वैलिडेट। ओके, कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को सेंटेंस में, द कोर्ट इशूड अ फिएट टू बोथ द पार्टीज टू मेंटेन स्टेटस क्वो। यानी कि कोर्ट ने एक इशू किया है, क्या आज्ञा इशू की है, एक आदेश दिया है दोनों पार्टियों को टू मेंटेन द स्टेटस क्वो, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए दोनों को आदेश दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब क्या होता है, तथ्यात्मक, यानी किसी चीज पर तथ्य पे बात करना, फैक्ट्स पे बात करना। ओके, यानी प्रैक्टिकल बातें करना, इंग्लिश मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, रियलिस्टिक, रीजनेबल, सेंसिबल या फिर लॉजिकल। एंटोनिम्स की बात करें तो सेंटिमेंटल, इम्प्रैक्टिकल, नेव या फिर विजनरी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे इस वर्ड को, इंडिया शुड एडॉप्ट प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी टू सूट द नीड ऑफ द कंट्री। यानी कि भारत को तथ्यात्मक फॉरेन पॉलिसी को एडॉप्ट करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, जो कि हमारे भारत की जरूरतों को सूट करे, उनके हिसाब से हो, उनके लिए लाभदायक हो। नेक्स्ट वर्ड इज टैकिटर्न। टैकिटर्न का क्या मतलब होता है, चुप्पी या फिर अल्पभाषी, कम बोलने वाला, चुप रहने वाला ज्यादातर। ओके, हैबिचुअली साइलेंट। ओके, सिनोनिम्स की बात करें तो रिजर्व्ड, क्वाइट, स्पीचलेस या फिर डम्ब। और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा, ग्लिब, टॉकेटिव, गैरुलस, चैरिटी या फिर लोकेशियस। ओके गाइस, ये जो ग्लिब वर्ड है, आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी आपको पिछली ही क्लास में ये ग्लिब वर्ड का यूज करके आपको बताया था कि जो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं ग्लिब। वहां पे दो लेडीज की फोटो थी जो बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। ओके, जैसे यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, उनका बिल्कुल अपोजिट है, वो बहुत बातें कर रही थी और ये बहुत चुप है। तो गाइस, डेली वो कैप जरूर पढ़िए, इससे क्या होगा कि आपको वर्ड्स रिलेट करने में आसानी होगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ये वर्ड्स आपके लिए इतने हेल्पफुल है और इतना इजिली आपको समझने में, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना इजिली आपको समझने में मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने यहाँ पर आपके लिए की है। तो इनको पढ़िए, ये सिर्फ आपके लिए है, इतना इजिली आप ये याद कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोबिया होता है कि वो कैब कैसे प्रिपेयर करें।
इनको आप करिए एटलीस्ट 10-15 क्लास के बाद ही आप अपने अंदर इतना बड़ा चेंज देखेंगे वो कैब को लेकर कि आपको समझ आने लगेंगी चीजें कि वर्ड्स के मीनिंग कैसे हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कैसे हमें डील करने हैं एग्जाम के अंदर। टैकिटन को आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। टैकिटन पर्संस डोंट कमिट देमसेल्व्स एट रैंडम, यानी कि जो चुप रहने वाले लोग होते हैं, ज्यादातर शांत लोग होते हैं, वो ज्यादातर रैंडम यानी कि इधर उधर उधर इधर उधर चीजों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। ओके, क्योंकि उनका नेचर ही है ज्यादातर चुप रहना, शांत रहना। दे डोंट कमिट देमसेल्व्स एट रैंडम, यानी तुरंत चेंज हो जाना, तुरंत बातों में पार्टिसिपेट करने लगना। ओके, तो गाइज ये थे पूरे के पूरे 10 वर्ड्स आपके लिए। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करो इन वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई भी एसएससी से रिलेटेड कोर्स करना है तो आप वरुण अवस्थी नाम के रेफरल कोड को यानी कि Varun777 को आप वहां पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वरुण अवस्थी सर आपको पढ़ाते हैं जीएस यानी कि जनरल स्टडीज। ओके, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।